इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दी, शिवसेना उम्मीदवार के कमरे से पैसे मिले हैं। फ्लाइंग स्क्वाड ने पकड़े हैं 1.98 करोड़ रुपए। शिंदे गुट के जयंत साठे के नाम से ये कमरा बुक था। चुनाव आयोग ने मामले में जांच शुरू कर दी है। नासिक के एक होटल के कमरे से ये पैसे जो है वो बरामद किए गए हैं। तो आपको बता दें, महाराष्ट्र में होटल से चुनाव आयोग ने 2 करोड़ की रकम जो है वो बरामद की है। जानकारी के मुताबिक जिस कमरे से ये रकम मिली उसमें एकनाथ शिंदे गुट के नेता जयंत साठे ठहरे हुए थे। फिलहाल इस खबर के अधिक विवरण की प्रतीक्षा जो है वो लगातार जारी है, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में पिछले दिनों जो तमाम चीजें चल रही हैं उसको लेकर अब एक से एक बड़ी खबरें जो है वो सामने आ रही है। इसी बीच आपको ये भी याद दिला दें कि कुछ देर पहले ही विनोद तावड़े के पास से 5 करोड़ रुपए और उसको बांटने को लेकर कई सारे आरोप लगे थे, और कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों से मुश्किलें जो है पार्टी की बढ़ती जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दी, शिवसेना उम्मीदवार के कमरे से पैसे मिले हैं। फ्लाइंग स्क्वाड ने पकड़े हैं 1.98 करोड़ रुपए। शिंदे गुट के जयंत साठे के नाम से ये कमरा बुक था। चुनाव आयोग ने मामले में जांच शुरू कर दी है। नासिक के एक होटल के कमरे से ये पैसे जो है वो बरामद किए गए हैं। तो आपको बता दें, महाराष्ट्र में होटल से चुनाव आयोग ने 2 करोड़ की रकम जो है वो बरामद की है। जानकारी के मुताबिक जिस कमरे से ये रकम मिली उसमें एकनाथ शिंदे गुट के नेता जयंत साठे ठहरे हुए थे। इस खबर के अधिक विवरण की प्रतीक्षा जो है वो लगातार जारी है, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में पिछले दिनों जो तमाम चीजें चल रही हैं उसको लेकर अब एक से एक बड़ी खबरें जो है वो सामने आ रही है। इसी बीच आपको ये भी याद दिला दें कि कुछ देर पहले ही विनोद तावड़े के पास से 5 करोड़ रुपए और उसको बांटने को लेकर कई सारे आरोप लगे थे, और कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों से मुश्किलें जो है पार्टी की बढ़ती जा रही है।